जन्म कुंडली विश्लेषण। आप लोगों ने कई बार यह सुना भी होगा और कहा भी होगा कि मेरे बच्चों के दोस्त अच्छे नहीं हैं, या ये प्रश्न करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को उनकी सहेलियों या उनके दोस्तों से कोई खतरा हो। आए दिन हम देखते हैं सेल्फी लेते हैं और पानी में बह जाते हैं। जवानी के नशे में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। एक्सीडेंट हो गए, कई जवान बच्चे मृत्यु के घाट पहुंच गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। ऐसी अवस्था में माँ बाप का घबराहट या घबराना जायज है। ये एक प्रश्न हर माता के मन में होता है, पिता के मन में होता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को जिए, ना कि वो गलत किसी चक्रों में उलझ जाए। 18 साल और 11 महीने के एक लड़के की मैं आज कुंडली का विश्लेषण करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। अब देखिए, कहानियां होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसी कहानी तो नहीं लिख रहे हैं आप कि जिससे आपकी जिंदगी का द एंड भी ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं। 18 साल और 11 महीने का एक लड़का है जिसके सपने ये थे कि उसने कॉमर्स की पढ़ाई ली और बाद में आउट ऑफ इंडिया जाकर वो MBA की पढ़ाई करके वापस लौटता और अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाता। वो अपने पिता को बहुत चाहता है, आइडियल मानता अपने पिता को। अब 2016 के एंड की बात है, मैं स्थान समय नहीं बताऊंगा। 5 दोस्त एक बार शराब के नशे में धुत घूम रहे थे। घूमते घूमते, जवान बच्चे हैं, किसी लड़की का पीछा किया। पीछा करते करते वो लोग आगे बढ़ते गए। बीच में एक बीच बचाव करने के लिए एक व्यक्ति आता है और इनका उनसे झगड़ा हो जाता है। उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त चाकू निकालता है और उस पर वार करता है ताकि वो पीछे हट जाए, लेकिन वो चाकू जाकर सीधा दिल में लग जाता है और उसकी वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। 5ों दोस्त भाग जाते हैं, पुलिस केस होता है। इस वक्त ये 5ों लड़के जेल में कैद हैं। अब क्या होगा? माता पिता कहते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, शराब पी, पीछा किया, लेकिन इसने चाकू नहीं मारा, ना ही इसकी ऐसी कोई मंशा थी। लेकिन अगर आप किसी का साथ देते हैं गुनाह में तो आप भी भागीदार हैं। इस वक्त ये लोग जेल में हैं। माँ को हार्ट की बीमारी हो चुकी है, जो आमतौर पर होता ही है। अब माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा जेल से छूट जाए, पढ़ाई पूरी करे। हमारी इज्जत, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या वापस हमारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ सकती या नहीं? यही चंद सवालों के जवाब हम 18 साल और 11 महीने के लड़के की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे। इस वक्त आप टेलीविजन की स्क्रीन पर 6 नंबर की जो कुंडली देख रहे हैं, इसे हम कन्या लग्न की कुंडली कहते हैं। लग्न तो बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। यहां पर देखिए, सेकंड हाउस जहां पर 7 नंबर लिखे हुए हैं, तुला राशि में शुक्र स्वग्रही धन भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इसीलिए वो बिजनेस करना चाहता था और इसने कॉमर्स बैकग्राउंड की पढ़ाई की और इसीलिए वो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करना चाहता था। परंतु सूर्य यहां पर नीच राशि के हैं जो कि सरकारी आफत के लॉर्ड हैं और वो पिता को कष्ट मिला क्योंकि पिता को ही आइडियल बांधता था और सूर्य सरकारी नौकरी या सरकारी तकलीफ, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस, थाना, जेल, अपमान, इन सब चीजों के बहुत हद तक कारक सूर्य भी माने जाते हैं। वो नीच राशि के सेकेंड हाउस में बैठना अपने आप में बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। जेल, कोर्ट, कचहरी, इसके लिए, मुकदमा या इन सब अपमान के लिए हमारी कुंडली में हम 12th हाउस पर नजर डालते हैं। जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो कुंडली का 12th हाउस होता है। ये खर्च का घर है, नुकसान का घर है। यही घर इंसान की विदेश यात्राओं का, अपमान का, बहुत सारी चीजों का घर है ये। यहां पर देखिए, राहु और मंगल विराजमान होने से बन गया अंगारक दोष। फिर बच्चे का खुद का विवेक काम नहीं करता है, यानी कॉमन सेंस जो है वो डैमेज हो जाता है। 12th हाउस का राहु इंसान को कई तरह के नुकसान देता है। अब देखिए, शराब एक बहुत ही आम चीज है, इतनी आम कि आपको हर 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं कहीं शराब की दुकान जरूर मिल जाएगी। शराब पी, जवानी है, घर से बाहर निकले, 5 दोस्त, किसने पिलाई, किसको पिलाई, ये सब बातें करना बेफिजूल है। लेकिन आपने खुद ने पी, कोई जबरदस्ती आपको एक दिन पिला सकता है लेकिन अगले दिन आप पीने का आपका खुद का मन करता है, उसे क्या पता था और क्या नहीं था। इसके लिए चंद्रमा को देखा जाता है कि आपके मन और मस्तिष्क पर आपका खुद का कंट्रोल है या नहीं है। वो 4th हाउस में अकेले, पिछली कुंडली में भी हमने केमद्रुम दोष बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि 4th हाउस में ही सेम केमद्रुम दोष था। पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं। उस इंसान को कैंसर की बीमारी हो गई थी गुटखा खाने से, जबकि मना किया था कि आपके दादाजी भी गुटखा खाते थे, पान मसाला, उनको कैंसर हो गया, आपने भी किया क्योंकि आपका कॉमन सेंस काम नहीं किया। इस लड़के ने भी वही काम किया है। यहां पर इसके अकेले हैं, ना कोई पीछे ना कोई आगे चंद्रमा के, ना साथ में कोई विराजमान है। और ये माँ का घर है, माँ की तबीयत वैसे भी खराब है, माँ के कारक चंद्रमा का डैमेज, इसीलिए माता को इतना बड़ा हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम हुई है। आगे बढ़ते हैं।
तकरीबन 3.5 साल से इसे शनि की 7.5 भी चल रही है। इधर देखिए कि दोस्ती का घर भी कुंडली में फोर्थ हाउस ही होता है। हमारे दोस्त कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके लिए हम फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड पर नजर डालनी होती है। या फोर्थ हाउस में केमद्रुम दोष गलत दोस्त बनाता है। इधर फोर्थ हाउस के लॉर्ड गुरु का देखिए, वो सिक्स हाउस में चले गए। बृहस्पति और केतु का चांडाल दोष, जहां 11 नंबर लिखे हुए हैं, कुंडली का सिक्स हाउस होता है। मतलब घर भी खराब, घर का मालिक भी खराब और चांडाल दोष, यह तीसरा बड़ा वीक पॉइंट है। मतलब कुंडली में प्लस पॉइंट कम है, वीक पॉइंट ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एट्थ हाउस, कॉमन सेंस। आप शराब की दुकान में जाते हैं, मैं नहीं जाता हूं, कोई इंसान किसी गलत काम में जाता है, कोई इंसान शेयर मार्केट में काम करता है, कोई मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई हर प्रकार के भगवान ने लोग बना रखे हैं। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस नाम की चीज भी दी है, उसके लिए हम एट्थ हाउस पर नजर डालते हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वो कुंडली का एट्थ हाउस होता है। वहां शनि महाराज विराजमान है, वो भी नीच राशि के, जो कि न्यायाधीश है। यानी आपका बच्चा छूटेगा कैसे, क्योंकि उसने गुनाह डायरेक्ट नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली वो गुनाहगारों के साथ में है। अगर भगवान या कोर्ट कचहरी ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं, तो बाकी सारे लोग बहुत सारे क्राइम करें, आज भी क्राइम की रेट इतनी बढ़ रही है, किसी के ऊपर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन अगर सरकार इन पर सख्ती नहीं करेगी, तो और लोग इसमें उनको मजा आने लगेगा, उनको कानून पर विश्वास खत्म हो जाएगा। इस वजह से यह तकलीफ हुई। और ये कमाल की बात है कि 2 दिसंबर 2013 से लेकर 1 फरवरी 2017 तक इसे शुक्र की दशा में नीच के शनि का अंतर चल रहा था, और शनि रोगेश होकर, जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं, सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर 2017 के फरवरी में यह दशा आपकी खत्म होती है। 2016 के एंड में यह घटना घटती है। जाते जाते शनि ने इसके बुद्धि को खराब किया, गलत दोस्ती करवाई, 7.5 ऑलरेडी चल रही है और इसको बर्बाद करके छोड़ दिया। इधर देखिए 12th हाउस में बैठे हुए राहु, और जो मैंने आपको बताया कि वो मंगल के साथ विराजमान होकर, राहु देखिए अपनी पंचम दृष्टि से दोस्तों के घर को देख रहे हैं। देखिए 5 से लेकर 9 तक एक एरो जा रहा है, ये फ्रेंड्स का घर होता है, उस पर राहु ने दृष्टि डाली। साथ में क्या किया है, दोस्तों के लॉर्ड गुरु पर भी, छठे घर पर भी दृष्टि राहु की, और वहीं शनि पर भी नवमी दृष्टि एड़ता था उस पर। मतलब अकेला राहु बैठा भी खराब, जहां जहां देख रहा है वहां सब जगह सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रहा है। यह अकेले राहु ने पूरी कुंडली को बर्बाद करने का काम किया है। नीच के शनि ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। अब आपको लग्नेश की दशा चल रही है 3 दिसंबर 2019 तक। अब मैं आपको इस बच्चे की राशि कुंडली बताना चाहता हूं, ताकि आपको यह पता लगे कि यह बच्चा कब छूट सकता है, कौन सी प्लैनेटरी पोजिशन होगी जब यह बच्चा छूटेगा। इस वक्त देखिए इसकी बच्चे की धनु राशि है, 9 नंबर की कुंडली हमने बताई है। 7 नंबर जहां लिखा हुआ 11th हाउस में, तुला राशि में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति एक तो अब से लेकर 12 सितंबर 2017 से 12 अक्टूबर 2018 तक ये योग यहां बनेंगे, तो इस बच्चे के अगले साल जुलाई से अक्टूबर के बीच में जेल से बाहर आने का योग बनेगा। अगर यह संभव नहीं होता है, क्योंकि कानूनी कोर्ट कचहरी है, तो मैंने इसकी फाइल तो पढ़ी नहीं है, लेकिन हम कोर्ट कचहरी के हिसाब से ज्योतिष को जरूर जोड़ सकते हैं, जिसके चांसेस कम है। परंतु अक्टूबर 2018 से लेकर नवंबर 2019 तक बृहस्पति रहेंगे 12th हाउस में, यानी वृश्चिक राशि में। लेकिन नवंबर 2019 से लेकर आगे जो पीरियड आएगा 2020 में, तब इस बच्चे के धनु राशि में जब बृहस्पति आ जाएंगे, तब इस बच्चे के 2019 के एंड के बाद छूटने का योग शुरू होने लग जाएगा। लेकिन अब मैं आपको नवमाश कुंडली का कुछ पॉइंट बताता हूं, ताकि आपको स्थिति और ज्यादा समझ में आ जाए। फ्रेंडशिप, आप लोगों को अपनी अपनी सबकी कुंडलियां बच्चों की, परिवार की देखनी चाहिए, ताकि कहीं कुछ मिस्टेक हो तो उसका समाधान हो जाए। ये देखिए कुंभ लगन की कुंडली, नवमांश कुंडली, या मैं फोर्थ हाउस की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर 2 नंबर लिखे हुए, वो कुंडली में फ्रेंड का घर होता है और मां का घर भी होता है। यहां देखिए गुरु राहु का चांडाल दोष, राहु शनि का श्रापित दोष, पितृ दोष, श्रापित दोष, चांडाल दोष, सारे फोर्थ हाउस से बने हुए, जो माता को कष्ट दे रहे हैं और साथ में इस बच्चे को गलत दोस्ती दे रहे हैं, इसी वजह से ये सब कुछ बर्बादी का घर बनता है। वहीं पर ये देखिए सारे दोष बने हैं, और ये एक ऐसी स्थिति बनती है जिस वजह से सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ देते हैं। राहु लगन में भी तकलीफ दिया, या राशि में भी तकलीफ दे रहे हैं। एट्थ हाउस जो कि मंगल, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ कुंडली का एट्थ हाउस होता है कॉमन सेंस का, वह मंगल है, और मंगल पर नवमी दृष्टि है राहु की, देखिए 5वीं दृष्टि है, 2 नंबर से 6 की तरफ एक एरो जा रहा है। और साथ में देखिए राहु नवमी दृष्टि से 12th हाउस को देखते हैं, 2 से लेकर 10 की तरफ एक एरो जा रहा है, जो कि लीगल कॉम्प्लिकेशन का घर है। टोटल यह कुंडली डैमेज है। माता पिता ने अगर बचपन में इन दोषों का उपाय कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता,
जो कि 3.25 साल की उम्र, 6 से 9 साल और 14 से 17 साल की उम्र में टाइम टू टाइम इस दोषों में उपाय करते तो ये दोष लगभग खत्म जैसे असर खत्म कर सकते थे। लेकिन हम सब माता पिता बेटियों को ही अंकुश लगाने का काम करते हैं या बेटियों पर, कभी बेटों को नहीं पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी रात तक कहाँ रहे। अब जैसे ही आप बेटों को डांटते हैं वो कहते हैं मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं घर पे कैसे रहूँगा, तो आप माता पिता दब जाते हैं। बचपन से बच्चों की काउंसलिंग करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे बच्चे, आज ये बच्चा तो जेल में है लेकिन हमारे बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर समय पर इन बच्चों के अगर दोषों की कुंडलियों उपाय हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन कुछ ज्योतिष इसमें कहते हैं कि बच्चों की कुंडली 18 साल के बाद दिखानी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है। क्योंकि अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी जन्मपत्री समय पर नहीं बनी तो 27 दिन में, मान लीजिए मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है, उसकी शांति सिर्फ 27 दिन में हो सकती है। अब आपके पंडित जी ने कहा 18 साल में कुंडली बनाओ, कुंडली बनाओगे तब आपको पता पड़ेगा क्या योग और दोष है, फिर आपको पता लगेगा जो उपाय हम 27 दिन में कर सकते थे वो हमने आज तक नहीं किया और जिंदगी भर इसका खामियाजा भुगत रहे। इसलिए समय रहते सारे काम होने जरूरी है। कुछ माता जी आपको उपाय बताने जा रहा हूं आपके बेटे के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन कुंडली कमजोर है, जहां पर योग काम नहीं करता है वहां काम करता है प्रयोग। तो मैं कुछ प्रयोग बता रहा हूं, आप अपने पुत्र के नाम से नित्य मां बगलामुखी की साधना करनी है, सिर्फ मंत्र से काम नहीं चलेगा, पूरी साधना करिए। साथ ही आप मंगलवार एवं शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार के दिन लौंग और गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाएं और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिलाने के लिए, जेल से मुक्ति दिलाने के लिए यह साधना करिए। अपने बच्चे के वजन के बराबर भीगी हुई मसूर की दाल चिड़ियाघर में जाकर पक्षियों को चुगाइए और दीजिए और प्रति शाम को मीठा पराठा बनाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। और आपका बच्चा अगर जेल में कुछ पहन सकता है तो सबसे बढ़िया होगा कि उसे अमोघ महामृत्युंजय कवच के साथ मां बगलामुखी कवच गले में धारण करवा दीजिए। तो ये था इनके जन्म कुंडली का विश्लेषण। अगर आप ऐसी या किसी और प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हम करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे बाकी वीडियोस को YouTube पर जाकर देख सकते हैं, Facebook पेज को लाइक करिए ताकि आपका और हमारा एक संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल जन्म कुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुनें, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा है। C'est
सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियां यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराएं नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली, 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 0291-519-0000 और 9829-02625 और 93147-49222।